उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में सपा के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल ने सभी पांचों सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है, जिसके लिए बाकायदा जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है। वहीं शंभू पोखरियाल ने कहा कि यदि सहयोगी दलों के साथ उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर गठबंधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं सपा के नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय मजबूत कार्यकर्ताओं हैं, जिससे इन दो लोकसभा सीटों पर ज्यादा फोकस रहेगा। लालकुआं से संवाददाता मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। अभी संघीय शक्ति सर्वदा संगठन अच्छा काम कर रहा है। संगठन को देखते हुए आज संघ जी को हमने महासचिव बनाया है और लोकसभा की पूरी तैयारी है। संगठन अपना पूरा काम कर रहा है। पांचों लोकसभा चुनाव में आने वाले, आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ, उसके बाद आने के बाद जैसे भी उनका आदेश होगा नई ऊर्जा के साथ फिर संगठन को मजबूत करेंगे। फोकस तो सभी जगह है, फोकस पांचों सीटों में है। बाकी ये है कि थोड़ा तराई क्षेत्र है, यहाँ पर लोग ज़्यादा थोड़ा सक्रिय हैं और यहाँ कार्यकर्ता भी हमारे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस है नैनीताल और यहाँ पर हरिद्वार में। तो हम जो है अपनी कार्यकारिणी को और मजबूत करेंगे, बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता बनाएंगे। और हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री शंभू प्रसाद पोखरियाल जी का, जो हमें इस योग्य समझते हुए जिम्मेदारी को दिए हैं, पूर्ण रूप से खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा के हम पांचों सीट पे चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द ही जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। युद्ध स्तर पर जैसी बात है, चुनाव है, चुनाव में जितनी ताकत है अपनी पूरे 100% जिताऊ प्रत्याशी भी है हमारे पास और तलाश भी की जा रही है। अगर कोई ऐसा बड़ा नाम आएगा तो हम प्रयास करेंगे कि उसे हम चुनाव लड़ा के यहाँ जो है मुकाबले को जो है त्रिकोणीय बनाने का पूरा प्रयास करेंगे।